कमाने में लगानी है और बच्चों को पढ़ाने में लगानी है। ये ताकत हमारे खिलाफ जो शोषण करते हैं उनके खटिया खड़ी करने में लगानी है ये ताकत। और आज बिल प्रदेश मजदूर संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दी है, उद्घाटन करके आए हैं हम लोग। हमारे लोगों को झूठी झूठी जानकारी परोसी जाती है, कई जना कहीं राजकुमार एम करे, भारत आदिवासी पार्टी वाला एम करे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने कभी गुजरात आके हमारे गरीब भाइयों की क्या हाल है ये पूछने का काम किया था किसी ने? हम तो बढ़ने से पहले भी आए थे, बढ़ने के बाद भी आए हैं, कभी कभी नहीं बने तो भी गुजरात में आएंगे और हमारे भाइयों की सेवा करने का काम करेंगे। कि हम मजदूरी करके खा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चे को सक्षम बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के अधिकारी बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के व्यापारी बनाना है, ये प्रण लेना है आप सबको आज। सबको ले जो हार, एक तीर एक कमान, अभी तो ये अंगड़ाई है। आप सबको इसी जगह लोकसभा चुनाव से पहले मैं आया था, साथ ही हमारे मंच आसीन अतिथि यहाँ पर आए थे और आपने दिल से हमारा मान सम्मान किया था, दिल से आपने हमको स्वीकार किया था और दिल से आपने हमको आश्वस्त किया था कि भागीदारा वालों टावर पाड़ी ना कंग आए। और इसी दिन कुछ साथियों ने कहा था अगर बाकी थोड़ा वो टावर अगर पाड़ी ना कंगा तो लापी खावड़ा भी पड़े इनकी जुदू तमाम। तो आज आप सबकी रात दिन से मेहनत की वजह से भाई शांति देखे भेजो आज आप सब की रात दिन की मेहनत की वजह से आप सब ने मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद का किराया करके आके माननीय सांसद बनाव जो और साथ ही हमारे बाकी द्वारा से भाई जय कृष्ण जी को विधायक बनाया और साथ ही हमारे आसपुर दरियावाज सभी जगह आपने मदद की। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, ये जो हो रहा है, ये जो कारवा बढ़ रहा है वो मेरे अकेले या हम बैठे हुए उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पुरखों की ताकत है ऐसा लग रहा है। उस ताकत की वजह से ये कारवा बढ़ रहा है। आज हम एक माध्यम है, सिर्फ हम एक माध्यम है। ये पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने के लिए कारवा बढ़ रहा है। मैं मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित समस्त मंचासीन अतिथि और साथ ही मैं समा चाहूंगा हमारे दो से चार वक्ता बोलना बाकी रह गए हैं। एक रमेश जी एक कहीं भजन गाऊ है, हमारे बाकी दूर वाला भाई भी भजन गाऊ है, तो मो बोलना बाद ही बेगड़ा भजन कहेंगा और आना भजन हाथे सापड़े कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो वो पहले कही थी कोने नाराज होने की, बाकी बहुत सारे साथी जो बोलना चाह रहे थे लेकिन अपनी परमिशन का फिक्स समय है उस वजह से नहीं बोल पाए। अब मैं बात शुरू करूंगा। गुजरात के अंदर हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा और आज हमारी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन करने के लिए आपने सौरभ भणाबा बल्ले गैर गुजारो सरप्पा बल्ले गुजरात मजदूरी बल्ले पहले भी अब जा आज भी आ रहे ये मंच पे बैठे हुए इसमें आधे साथी हो सकते हैं। और मैंने भी गुजरात में जब आए थे जब स्कूल में पढ़ते थे छुट्टी पड़ती बारे कई जना आवेगा छुट्टी पड़ते विचार था तो अपने पासू एडमिशन था इन व्यवस्था करी आवन था तो
तो मैं भी आगे लो गुजरात में, मैं भी मजदूरी की थी आपके जैसे ही, मैंने भी मजदूरी की है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले भाइयों का दर्द क्या होता है वो मुझे और इस मंच पे बैठे हुए कई साथियों को पता है। हम एक खानदान में राजनीतिक रहे कि नेता सोरो नेता, नेता सोरो नेता, एक कई पैसे वाला वहीं ये नेता बने। हम बिल्कुल कमजोर आम परिवार, गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं और वो आप जैसे लोगों की ताकत की वजह से उठे हैं, इसलिए हमको पता है कि आपका दर्द क्या है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था और साथ ही हमारे साथियों ने कहा था कि गुजरात में हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करे कि एक बिल्डिंग थे कि पड़ी जाए कि एक एक्सीडेंट थाई जाए को एक ठेकेदार पैसा नहीं आले कई समस्या आवे तो केजी तू एक ऑफिस खोलो। तो आज वो सपना पूरा हुआ है और आज बिल प्रदेश मजदूर संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दी है, उद्घाटन करके आए हैं हम लोग और हम यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाएंगे, यहाँ पर आदमी रहेंगे एक दो। आपकी आपकी हर समस्या को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आने समस्या का समाधान करवाने। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई मजदूरी कर रहा है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको मेहनत की उसका पैसा मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हम। देखा है हमने कई इलाके में गुजरात में हमारा आदमी मजदूरी करे लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं मिले, इन्हें स्वाभिमान मत ठेस पहुंचाड़ी दे। कई पैसे वाला आवा रही जी हमारा आदमी से मजदूरी करे इन्हें स्वाभिमान मत ठेस पहुंचाड़ी, कई बार अत्याचार भी करी, कई बार आदमी ठगाई भी जाए, लेकिन आप सबकी जो यूनिटी बन रही है, आप सबने एकता बढ़ी देती है, एवं आपा वाला समय में वो वदा थावा नहीं देंगा। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली जो आयोजन कमेटी है और साथ ही यहां पर बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जो नीचे पीछे बैठे होंगे, कोई लास्ट में लाइन में खड़ा है, लेकिन गुजरात में कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो इसमें से कुछ साथी ऐसे हैं मेरी जानकारी में है आधी रात को जाके खड़ा रहते हैं, वो सच्चा समाज से भी है मेरे लिए। आधी रात को कई साथी गुजरात के साथी हैं, हमारे राजस्थान के साथी हैं, कई ऐसे साथी हैं कि भी खबर पड़ी जाए हमारे पास सूचना आवे हमें कहो तो रात्रि 12 बजे भी उठी जाइन भी पीड़ित आदमी हाथी उगवा रहे। ऐसे बहुत सारे साथी आए हैं, हो सकता है वो लास्ट लाइन में बैठा होगा लेकिन वो सच्चा समाज से भी है मेरे लिए, आप सबके लिए। साथियों आज जो जरूरत क्यों पड़ी आज आने की, हमें हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इतने भाई बहन, हमारी कई महिला आई है, कई बहनें आई है, कई बड़े बुजुर्ग है, कई पढ़े लिखे बीएड शुदा आदमी भी हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक खुशी बात है, खुशी इस बात की है कि आप सभी हमारे प्रति इस विचारधारा के प्रति अच्छी भावना रखते हो इसलिए आए, लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है कि हमारा भाई मजदूरी करने के लिए परिवार घर बार छोड़ के यहाँ पर रह रहा है और कई जगह सोने के भी फाफे पड़ते हैं, खाने के भी फाफे पड़ते हैं, ऐसे भी भाई हमारे रह रहे हैं, वो तकलीफ भी दे रहा है। लेकिन ये समस्या एक दो सालों से नहीं आई, ये समस्या लंबा समय हो गया आ रही है। हम एक साथ नहीं कर सकते समाधान, लेकिन ये जरूर के जा रहे हैं आज तो आने वाले समय में ये संख्या यहाँ कम कराएंगे और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हम छोटे मोटे उद्योग लगाएंगे और हमारे भाइयों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए क्या करेंगे इस पर मैं कहना चाहूंगा, ये जितने हमारे जो विधायक बैठे हैं और विधायक प्रत्याशी हैं, हम सब मिलके बात आई थी रोजगार गारंटी की। कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती है, अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो रोजगार गारंटी अधिनियम भी यूपीए सरकार लागू नहीं करती। यूपीए सरकार लागू की, नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की क्षेत्रीय पार्टी आई, उस समय मनमोहन जी की सरकार बनी, 18 पार्टियों ने मिलकर बनाई और नानी पार्टी जी ने इसके युग देश के अंदर रोजगार ने गारंटी ने कानून आबूझे देश में जितने भी कानून आप चाहे अपने कोने कहीं डेयरी पे किलो गुआ लेन कहीं
लेकिन ये योजना भी आई क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आई। जितने भी अच्छे कानून आए इस देश के अंदर वो सारे के सारे यूपीए सरकार ने, और यूपीए सरकार के अंदर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पार्टियों की वजह से कानून आए हैं। तो मैं आज दावा करता हूं भारत आदिवासी पार्टी भी जो नरेगा का जो पैसा आ रहा है, जो 227 या 267 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको 500-600 रुपए कराने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में और करवाएंगे इसको। साथियों हमें तकलीफ होती है थोड़ी, मैं कुछ कड़वी बातें भी कहूंगा। गुजरात में है कि दारू प्रतिबंध है, वो है प्रतिबंध। मेरा भाई रात दिन यहां मेहनत करता है और फिर वो केमिकल वालों दारू पिए आदमी, और वो पैसा उस दारू में और फिर थोड़ा बहुत बचता है तो बीमार होता है, बीमारी ठीक करने में जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम भी मजदूरी करते हैं, हो सकता है हमें थापी नहीं उठाता, हमें पौड़ों ने गेती नहीं आता, लेकिन गाड़ी पे इंजामों रात्रि जगवू ही भी मजदूरी से। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूरी की थकान उतारने के लिए केमिकल वाला दारू, डुप्लीकेट दारू को पीता नहीं पड़े। गुजरात में एक दो केस मेरे पास ऐसे आए, आदमी डेथ थाई गई, डेथ थावा बाद आदमी दलाल था जो इंश्योरेंस कराड़ी मिली तो और गैर बेवाब जान कागज लेकर पैसा उठा के दिया। कुछ केमिकल वाला जो दारू बिकता है उसके आसपास इंश्योरेंस कंपनी वाले पड़े रहते हैं, बता रखते हैं कि ये पीने आ रहा है, ये 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है, इसलिए इसका इंश्योरेंस कर दो। आज भी एक दो साथी देखे हमारे भाई है, हमें गुस्सा भी आता है तकलीफ भी आता है। आप यहां आदमी कहीं अगर बाईचांस पैर पड़ी गयो तो तड़ी तड़े आमिस दौड़ो, वो पहले गाड़ी चलवे के एक्सीडेंट थाई गयो तो तमे त्रणी जन तमे या तमारे में हुए आमिस दौड़ो, तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटना हो ही नहीं। तीन चार बातों की अनुरोध करना चाहूंगा पांडाल में बैठे हुए उन सभी से, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, पासा गिरते कि आवत कि उसी ना पासी लई नाबो पड़े है, ये कंडीशन बनी रही। पैसों कई कमो में रात दाड़ो मेहनत करो लेकिन पैसों वस्तो नहीं है, वस्तो अटली नहीं है, कापड़ी कई गणित है नहीं। एक तो सबसे पहले ये तय करना है कि त्योहार आता है, त्योहार खुशियां लेके आता है, त्योहार पे पैसे उड़ाना, ये जब हम राजस्थान में अभी पीवानो हजर दुकान कपड़न हपड़ लिवानो करो ना। बीजी चीज कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बता दिया है, माइक्रो फाइनेंस वालों से अब्जू है बीमारो इस बिड़जू अब्जू है न के पड़ जो चक्कर में आले त्रणी जन बढ़िया लागे है लेकिन पासो लिए त्रणी जन खबर उसने पड़तो है तमें 30,000 लियो है तो 55,000 रुपया रिटर्न ले दिए। मेरा निवेदन है कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाले के चक्कर में मत पड़ना, कोने भूखी नहीं मर तू भूखी मरो बता नहीं दीजो कि हमें व्यवस्था करा देना, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला लोन के चक्कर में पड़ो नहीं कहते। दूसरी चीज, आप दिवाली माते आवो कोने भी चकला जी इंग्लिश ठेका वाला ही या उड़ी दिवाली डुप्लीकेट बियर लाइन मिली साड़ी और पसे जो अहमदाबाद वाला हाँ आइयो तेने डुप्लीकेट फपड़ा दे भाई यहां चक्कर में पड़ो नहीं। सेकंड चीज, जितने भी भाई बाइक चलाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पाई क्या तक इन्हें मोबाइल और बाइक के कार्य आता डाड़ों में की, क्योंकि जिंदगी खत्म हो रही। हम देख रहे हैं हमारे हिम्मतनगर में एक भाई अभी एडमिट है, मैं उसके पिताजी कल मेरे पास आए, कहा कि मैंने जमीन थोड़ी थी बेच दी, मैंने सारी रकम थी भी दंडने मिल दी थी, मामा भुआ हग वाला सब पैसा ले लिया, 4 लाख रुपया बार खर्चो कर दी तो 3 लाख में बिल सड़ावी लुए और डॉक्टर इलाज करते नहीं क्योंकि 3 लाख जमा करा होते, 7 लाख खर्चा हो गया उस परिवार का। वो आदमी पहचान बचा है नहीं बचा वो तो कुदरत जाने, लेकिन पीछे परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जमीन चली गई, उसके जेवरात चले गए। इसलिए सारे भाइयों से अनुरोध है कोने कहें कि आप भाई जावेद 1,000 पैसा उड़ाड़े हैं, 1,000 बाइक उड़ाड़े, हमारी ताकत बाइक उड़ाने में, पैसा उड़ाने में, हम कितने ताकतवर हैं, ये ताकत पैसा उड़ाने में, बाइक चलाने में, लड़ाई झगड़े करने में,
उसमें नहीं दिखानी है, ये ताकत बिल प्रदेश बढ़ाने में लगानी है और बच्चों को पढ़ाने में लगानी है। ये ताकत हमारे अधिकारों को लेने में लगानी है। ये ताकत हमारे खिलाफ जो शोषण करते हैं उनकी खटिया खड़ी करने में लगानी है ये ताकत। परिवहन का सुना था पिछली बार मेरे पास ज्ञापन आप देता, मैं उड़ी दिवाली आवा बस वाला कई पैसा बढ़ा भी दी, मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। अब हम केंद्र में गए हैं और मैंने आपके पहले ही मैंने केंद्र मंत्री को कह दिया है कि अपने जी ट्रेन साली रही हर ट्रेन में बेबे तन तन डब्बा और लगाड़वानी बात है जी हमारे, और बहुत जल्दी उसके अंदर डिब्बे बढ़ा दिए जाएंगे। आपने इको वाला भाई आवे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद भी रोजगार था है। लेकिन हेत्ता बाजन के वो भाई तरीके थे कि सलभ हो एक इको बार एक्सीडेंट था ही क्यों, 3 से 4 लोग मर गए। जाने इको गाड़ी में है ने इंश्योरेंस वो जरूरी है क्योंकि भाई जान हाथ तो था ही, फिर इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार बर्बाद था ही जाएगा, कोई मरेगा नहीं माने, वो भी अपने भाई हमको रोजगार मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे होली दिवाली अतिरिक्त बसे वाला और ट्रेन के डिब्बे बढ़ाने की हमने बात की है और अवश्य आने वाले समय में आपके लिए परिवहन की सस्ती सुविधा कराने की हमारी कोशिश रहेगी। साथियों आज देश लेवल पे जो माहौल बन रहा है, हमारे लोगों को झूठी झूठी जानकारी परोसी जाती है, कई जना कहीं राजकुमार एम करे भारत आदिवासी पार्टी वाला एम करें। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं क्या उन्होंने कभी गुजरात आके हमारे गरीब भाइयों की क्या हाल है ये पूछने का काम किया था किसी ने? हम तो बढ़ने से पहले भी आए थे, बढ़ने के बाद भी आए हैं, कभी कभी नहीं बने तो भी गुजरात में आएंगे और हमारे भाइयों की सेवा करने का काम करेंगे। आज जो माहौल बना रहे गरीब वर्ग के लिए कोई सोचा नहीं उन लोगों ने, श्रम विभाग की गाइडलाइन है ये उन्होंने जारी कर रखा है कि न्यूनतम मजदूरी दर 20,000 रुपए देना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा कर रखी है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने जो देश है उन देशों को कह रखा है। भैया 2 मिनट 5 मिनट शांति रख सकला सड़ी की ओला के माता वॉलेंटियर भाई ढोल बाजिया बंद करवाया अभी कुछ देर के लिए, वॉलेंटियर भाई ध्यान दे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वहां आवाज आती नहीं इसलिए पहला मकरी जाओ लगे मैं आप और हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें तकलीफ होती है जब होली दिवाली आवे हमें रोड माते नकड़ आमार भाई हच्चर गाड़ी लेन दौड़े, तकलीफ भी था गुस्सा भी था, कई पड़े कई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। मैं आप सबसे अनुरोध इस पांडाल में जितने आए हैं आप सबको आज प्रण लेना है और संत सुरमाल महाराज गोविंद गुरु महाराज देवापुरी महाराज माम जी महाराज इन सबको हम आज साक्षी मान के ये लेना है कि हम दिवाली होली माते आवंगा तो इन कार्य गाड़ी भी सलवंगा प्रण लियो आज आदोसा करी आदोसा करो सब। गोविंद गुरु महाराज देवापुरी महाराज माम जी महाराज संत सुरमाल महाराज ने इस जुई रह जाए ताकत है और आज प्राण लेना है कि होली दिवाली या कोई भी त्योहार दारू पीना में डूंगरपुर बासवाड़ा के गाड़ी नहीं सलवंगा और बगैर हेलमेट की गाड़ी नहीं सलवंगा ये प्राण लेना है हम सबको आज। साथी यहाँ पर बात आई थी चेतर भाई ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा को लेके मुझे तकलीफ हुई, एक आदमी बेचारा खड़ा था छोटे बच्चा हाथ में लेके खड़ा था, बहुत सारी महिलाएं हैं अपने बच्चे साथ में लेके आई है, हमारी मजदूरी है हम मजदूरी करके खा रहे हैं, हमारी मजबूरी है बाजार हम मजदूरी करके खा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाना है। अभी तो आप लोग इधर इधर कई स्कूल और व्यवस्था करना, मैं अवश्य आने वाले समय में गुजरात गवर्नमेंट से मिलके अगर गुजरात गवर्नमेंट भी नहीं करती है तो हम सोसाइटी बनके हमारे जितने जो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोलेंगे आने वाले समय के अंदर हम लोग, क्योंकि हमारे आदमी आज जो मजदूरी करे जो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इन्हें सोरो है ये बड़बू जूझे। हमारा यही प्रण लेना है आज कि हम मजदूरी करके खा रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरा बच्चे को सक्षम बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के अधिकारी बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के व्यापारी बनाना है, ये प्रण लेना है आप सबको आज। सब भी एको सोचू है कि हमें मजदूरी अमन तकलीफ पड़ रही कोई दिक्कत नहीं लेकिन मार सोरा तकलीफ नहीं पड़वी जूझे ये प्रण लिखो है आज और एनो एको समाधान है सोरान बड़ापो है।
रिजर्वेशन की लड़ाई, जल जंगल की लड़ाई हम लड़ेंगे। आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हो, लेकिन अपना खून में कई कमी नहीं हो, जोरदार मजबूत है, ताकतवर है अपने वाले डीएनए। डीएनए जी है के ताकतवर है। पहले मंत्री कह दी तो डीएनए टेस्ट के वो आड़ पड़ी गया, मंत्री माफी मांगते नहीं मांगती। तो इस डीएनए ने सरकार को झुकाया है तो कमजोर नहीं है, इसलिए आप सभी को फिजूल खर्चा नहीं करना है। और दो तीन बातें अंत में और कहना चाहूंगा, समय हो चुका है। ये जितने जो हम मंच में बैठे हैं, आप हमें आदर्श मानते हो, आप हम पे विश्वास करते हो, और आप जितना हम पे विश्वास करते हो इतना हमको और मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है, और रात दिन आपके लिए लड़ने की हमारे अंदर ताकत क्षमता प्रकट होती है। ये हम सब सेवक हैं आपके, हो सकता है छोटी मोटी कमी रहेगी, चौरासी वाला करो असल आदूसो करो चौरासी रगड़ो काड़ो अगले काड़ो है काड़ो है के सलंबर वाला कटला का दूसरा करो सलंबर वाला है। कोई दिक्कत नहीं, भले तुम्हें काम हो लेकिन तुम्हें ताकत और ध्यान रख सो, तुम्हें काटो रे हुए। बाकी दौरा से कितने हैं? आसपुर तक कटला है, डूंगरपुर तक और दरियावत वाला एमएलए साहब पुसाड़ी दरियावत से कट लाए। हम सबको मिल के रहना है यहाँ पर, हम चौरासी के अलग, आसपुर के अलग, सलोम्बर के अलग, ये नहीं करना है। हम सबको मिल के रहना है, एक उसके हुए कमी के ना हो, बिल प्रदेश ना हो, इस बात कर दिए हत्या मरे। और बिल प्रदेश अवश्य बनाएंगे आने वाले समय में। कुछ लोग कहते होंगे क्या होगा, लेकिन अवश्य बनेगा। चौरासी में उपचुनाव है, चौरासी के साथियों, आपने ही मेरे को कहा था आप चले जाओ लोकसभा, मैं तारीख कही थी तो मैंने कहा नहीं, शांति थी कि शहर पांच साल काटवा दो, ना ना भी जाते रहो ओसो टावर पाड़ो पड़े एम करीने। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सीट काटवानी। ये लोग कोशिश करेंगे आज गाड़ी मोकलवानी, तुम्हें आओगा तुम्हारा खावा पीवानी व्यवस्था करेगा, लेकिन तुम्हारे में आपत्ति आवेगा तणी गणते भारत आदिवासी पार्टी ना विधायक और हम लोग आके खड़े रहेंगे, वो आके खड़े नहीं रहेंगे। और मेरे को दिमाग में गावेगा, पैसा आल देंगे थोड़ा थोड़ा, हरो आल देंगा, यही दिमाग में। लेकिन मैंने ठान लिया और मैंने परख भी दिया है हमारे भाइयों को, पहला कटलू भी आधी से, लेकिन हमारे भाई डगमग नहीं पाता है। बोले आली जी तो ले ली हो क्योंकि ब्याज है यू अपने हुए ब्याज और मूलधन लिवा बोले अपने विधानसभा मोकलवाए भाई आली जी तो ले ली हो क्योंकि ब्याज है यू कर्जा काम करें थोड़ा होता है तो थोड़ा अभी चलेगा, सब कुछ चलेगा, उनका साम दाम दंड भेद। हमारे बड़े बड़े ठेकेदार भाई हैं, लेकिन मुझे बड़े बड़े ठेकेदार भाइयों पे विश्वास है कि किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन को बचाने की, आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है। कि देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर मजदूरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जल जंगल जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, इन ताकतों को खत्म करने के लिए यही मजदूर भाई खड़ा रहेगा विधानसभा चौरासी और सलोम्बर के अंदर, मुझे पता है। मैंने कह दिया है कि हमारा भाई कमजोर है, हमारा भाई कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, दाढ़े कमाए हाजे खाए, लेकिन स्वाभिमानी है, ये पैसे के सामने लालच के सामने नहीं झुकेगा। और चौरासी और सलोम्बर फतह करेंगे हम सब मिलके, और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये दोनों भाई आपकी पैरवी करेंगे। मैं दिल्ली चला गया हूँ, लेकिन ये दोनों आपकी पैरवी करेंगे। और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर हमने एक ऑफिस खोली है भी, और आने वाले समय में दूसरी ऑफिस भी खोलेंगे, और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम सब मिलके हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई है उनके लिए वो स्कूल भी खोलने का काम करेंगे। और इसके बाद हमारा सपना रहेगा बिल प्रदेश ने अंदर रोजगार क्रिएट करेगा, ताकि हमारे भाजी ने मजदूरी बल्ले ने आबो पड़े, हमें सब बड़े प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बेहतर साथी अपने बजरवाड़ा है, आनंद बजर हमारू है, आप सभी आए शांति पूर्वक जाना है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली माते व्यवस्थित आपू है, और आपू और पासो जागो नहीं है, सौदे करीनु जागो है, बाबू डोगरा से आते बाबू डोगरा होता ही कि जागो ही वायरी करीने जागो है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, भजन गए हमारे बेवा हत्या बेर भजन हमारे बस जागो, ठीक है। आप सबको तह दिल से धन्यवाद।
और सभी को एक साथ एक मुश्त पधारना है वो चौरासी और सलूंगर में रगड़ो काट वो इस बार भाई भजन वाले आ जाए एक नारा हो जाए मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे आप बोलना भील प्रदेश का नाम रहे मान रहे सम्मान रहे भाई अपने बागी दौरान आए ओसो टावर पर जो भी थे कि